दर सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت أما بعد عزيز بھائیو प्यारे साथियों, मेरा उन्वान है मौत एक अटल हकीकत। जाहिर सी बात है कि मौत कोई इंसान को छोड़ती नहीं है। आज इस बीमारी की हालत में कितने मुसलमान, कितने हिंदू भाई इस दुनिया से रुखसत पा गए, कितने उलमा इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मेरे भाइयों, मौत किसी इंसान को छोड़ती नहीं है। अगर वो ताकत हो या मालदार हो या गरीब हो, कोई भी इंसान हो, तो इस दुनिया के अंदर रहने के लिए नहीं आया है। मेरे भाइयों, अगर इंसान इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने के लिए आया होता तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत नहीं होते। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा फरमाता है, वमा जअलना لبشر من قبلك الخلد فمت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت। और आप से पहले किसी इंसान को हमने हमेशगी नहीं दी कि आप फौत हो गए तो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, यानी आए मोहम्मद सल्लम, न तो आपसे पहले किसी इंसान को हमेशा के लिए जिंदा रखा गया था और न ही आप हमेशा के लिए रहने वाले हैं। लौकान फी दुनिया बका लमा मात खैर मुसलीन मोहम्मद, अगर दुनिया में किसी के लिए बका होता तो अफजल अर रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम दुनिया से रुखसत नहीं होते। पता यह चलता है दुनिया में कोई हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। जिसके अंदर जान है उसको बेजान एक दिन होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर जानवर के अंदर जान है तो उसको एक दिन
जान होना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे पास जान है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास खेती बाड़ी है, मैं पैसा खेती बाड़ी देकर बच जाऊंगा। कोई भी इंसान बच बच नहीं सकता है, हर हाल में उसको मौत का मजा चखना पड़ेगा। यानी पता चला कि कोई इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। तुम जा कहीं भी होगे, मौत तुम्हें आ पड़ेगी। गौतम मजबूत किले में होगे तो मौत तुम्हें आ पड़ेगी, या बादशाह के महलों के अंदर राज करने वाले होगे तो मौत आ पड़ेगी। मेरे भाइयों, अगर तुम 40-40 महलों के अंदर रहने वाले होगे तो मौत तुम्हें आ पड़ेगी। मौत से कोई शख्स राय फरार प्यार नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, मौत से कोई शख्स बच नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, अगर दुनिया में बादशाह या कोई भी इंसान हो अगर बच जाए तो मेरे भाइयों, हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बच जाते, अल्लाह के नबी बच जाते, लेकिन कोई नहीं बच सकता है। अगर मस्जिद का इमाम हो या मौजा हो तो हर हाल में उसको भी मौत का मजा चखना पड़ेगा, या नेपाल का देश चलाने वाला हो तो उसको हर हाल में मौत का मजा चखना पड़ेगा। कोई इंसान इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है, और ना वो हमेशा के लिए रहेगा, उसको एक दिन बेजान होना पड़ेगा। आज इस कोरोना के वबा में कितने मुसलमान इस दुनिया से जा चुके, आखिरकार ये भी वबा क्यों आई? कयामत की एक निशानी ये भी है। ये नहीं कि मेरे भाइयों हमें मौत छोड़ देगी, मुझे मौत नहीं आएगी, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, यानी मैं नमाजी हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला हूँ, मुझे मौत नहीं आएगी, हर हाल में उसको मौत का मजा चखना पड़ेगा। अल्लाज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो है जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें किसी न किसी बहाने पर आजमाएगा, तुम्हारे खेती बाड़ी को नुकसान कर भी आजमाएगा, या तुम्हें बैरामा के रास्ते से जा रहे हो, या बाइक से जा रहे हो, या सवारी से जा रहे हो, या बुलबेरा से जा रहे हो, अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी आजमाएगा। ये नहीं कि हमारा बेटा इंतकाल हो गया, हमारा बाप इंतकाल हो गया, बाप यानी बीबी का शोहर इंतकाल हो गया, अब हम उसको रोए और जैसे गाने गीत की तरह गाया जाता है इसी तरीके से रोए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोने का वादा नहीं किया, रोने को नहीं कहा है कि हम रोए और गीत गीत बाने गाने की तरह रोए, ये नहीं कहा है चीख चिल्लाए, ये नहीं कहा है। मेरे भाइयों, अपने शोहर अपने बाप अपने बेटे के इंतकाल पर सब्र करना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों सब्र नहीं करते हैं। सब्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिल में देता ही नहीं है कि सब्र करें, लेकिन मेरे भाइयों चीख कर चिल्लाती है अल्लाह जाने क्या हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त आपके सामने पानी का एक प्याला रखा हुआ था, आप उस प्याले में अपने हाथ को दाखिल करते और ये फरमाते, इन्ना लिल मौति लसकरात, मौत की बेचैनियां होती है, मौत की दुश्वारियां होती हैं, और फिर अपने हाथों को उठाया और फरमाने लगे, अल्लाहुम्म फी रफीकिल आला, अल्लाहुम्म फी रफीकिल आला, यहां तक कि आपकी रूह कब्ज कर ली गई और आपके हाथ ढीले पड़ गए। ये नहीं कि मौत के वक्त हाथ पांव और पैर सब कुछ काम करेगा, मौत के वक्त कोई काम नहीं करेगा। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग कहते हैं दफन कर आते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फला चीज मुर्दा सुनता है, फला चीज सुनता है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसके उसका जो चलता है जो पैर के नीचे होता है वही अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो सुना सकता है, और ये नहीं कि मौत जाए अल्लाह ताला मौत को सुनाता है, फला चीज सुनाता है, जब वहां से जब चल कर आते हैं तो ये सुनाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह नहीं सुनाता है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम तमाम मुसलमानों के बीच में कौन सा फर्क है? आज फितने हर एक घर में दाखिल हो गया है, लेकिन आज हम तमाम मुसलमान उसे नहीं
ये कर रहे हैं, हम और आप उसके ऊपर दावे हैं, लेकिन मेरे भाइयों रोते चिल्लाते चीखते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपने माँ बाप के इंतकाल को सबर करें। आइए आखिर में दुआ करते हैं कि आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जब तक हम इस दुनिया में रखते ईमान तौहीद पर, अल्लाह जो लोग हम इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तू उनको जन्नत नसीब फरमा, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को शिफाए कामिल नाज़िल अता फरमा, अल्लाह जो लोग इस दुनिया में बीमार हैं अल्लाह तू उनको बीमारी से दूर कर और अल्लाह तू उनको शिफाए कामिल नाज़िल अता फरमा, अल्लाह जो लोग कब्रों के अंदर अजाब चख रहे हैं अल्लाह तू उनको अजाब से दूर अता फरमा, आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंता التوابُ الرَّحِيمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ।